हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ व्हाट्सएप के ट्रिक्स बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं मेरे पहले ट्रिक में आपको बताऊंगा कि आप किसी को मैसेज करते हो, सिंपल मैसेज करते हो, तो आप यहाँ से मैसेज करते हो, सेंड करते हो उस मैसेज को, कोई भी मैसेज लिख के, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया और यहाँ से सेंड करते हो आप। लेकिन पहले ट्रिक में आपको मैं ये बताऊँगा कि आप कैसे किसी भी मैसेज को यहाँ से सेंड करोगे। तो चलिए मैं इसको आपको बता देता हूँ। सिंपल है, आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, सेटिंग में फिर जाके चैट सेटिंग में जाना है आपको, और फिर एंटर इस सेंड को इनेबल करना है, फिर वापस जाना है आपको, वापस जाके फिर मैसेज यहाँ से टाइप करना है आपको। मैसेज कुछ भी टाइप कर लो, ऐसे ही रैंडम कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, और आप देख सकते हो सेंड हो रहा है यहाँ, कुछ भी टाइप करके यहाँ से सेंड हो रहा है मैसेज। तो ये आपका पहला ट्रिक था। चलो अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ। मैं मेरे दूसरे ट्रिक में आपको बताऊँगा कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपने अभी तक व्हाट्सएप जब से यूज़ कर रहे हो आप, तब से अब तक किसी भी दोस्त को, फैमिली मेम्बर को, या फिर ग्रुप में क्या-क्या भेजा है, कितना भेजा है, ये सारा कैसे पता लगाओगे। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। पहले आप थ्री डॉट पे क्लिक करो, उसके बाद सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे जाके डाटा एंड स्टोरेज यूज़ पे जाओ, वहाँ जाके आप स्टोरेज यूज़ पे जाओ। आपको यहाँ पूरा दिख रहा है, सबका डिटेल आ गया कि आपने किसको कितना MB सेंड किया है, कितने MB का मैसेज डाटा मीडिया, ये सारा चीज़ आपने सेंड किया है। तो चलो मैं उत्कर्ष के पास कितना किया मैंने वो बत दिखा दूँ आपको। मैंने इसको टेक्स्ट मैसेज 552 भेजे हैं, कॉन्टेक्ट 6 भेजे हैं, लोकेशन 3 भेजे हैं, फ़ोटो 245 भेजे हैं, और यहाँ आपको दिख रहा है इसका MB भी 2.2 है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से पता लगा लोगे किसी भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट के पास आपने कितने MB खर्च किए हैं, और उसके पूरे डिटेल्स को पता लगा लोगे। तो मैं ये इस तीसरे ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी को हमेशा चैट लिस्ट में टॉप पे रखोगे। तो उसके लिए आपको सिंपल पिन करना पड़ेगा, आप अपने कॉन्टैक्ट को पिन करो, जैसे कि मैं इसको पिन कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये आप देख सकते हो कि ये टॉप पे आ गया। अब ये हमेशा आपके चैट लिस्ट में टॉप पे ही रहेगा। तो इस तरह से आप किसी को भी अपने चैट लिस्ट में टॉप पे रख सकते हो। तो चलिए मैं चौथे ट्रिक में आपको बताता हूँ कि आप मैसेज को बोल्ड करके कैसे सेंड करोगे। जैसे कि सिंपल मैसेज होता है, वो उसका फॉन्ट चेंज कैसे करोगे, उसको बोल्ड करके कैसे सेंड करोगे किसी पास। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले आपको स्टार टाइप करना पड़ेगा, स्टार के बाद आप कुछ भी टाइप कर लो, कुछ भी टाइप करो, फिर दोबारा स्टार करो। देखो अब ये बोल्ड हो चुका है, नॉर्मल मैसेज से ये बोल्ड हो गया है बिल्कुल। अभी एक बार और आपको दिखा देता हूँ, स्टार टाइप करो, फिर कुछ भी टाइप कर लो, फिर स्टार टाइप करो, देखो ये चेंज होके बोल्ड हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी मैसेज को बोल्ड करके सेंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप इस टाइप से डिलीट किया हुआ मैसेज कैसे रीड करोगे। आपको दिख रहा है यहाँ डिलीट किया हुआ मैसेज है, ये सारा का सारा, इस मैसेज को कैसे रीड करोगे। उसके लिए एक ऐप है, जिस ऐप का नाम है WAMR, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद इस टाइप का मैसेज आप रीड कर लोगे जो डिलीट कर दिया जाता है। आपके रीड करने से पहले आपके फ्रेंड ने उसे डिलीट कर दिया होता है, उस
को आप सोचते हो कि ये क्या उसने भेज के डिलीट कर दिया, तो उस डिलीट किए हुए मैसेज को आप बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हो। तो ये है वो ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देखना, वहाँ पे इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। या आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो इसका नाम लिख देना सिंपल WAAR, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना। इसके इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी डिलीट किए हुए मैसेज को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं।